Hello students, welcome to my class. In the previous class, we discussed about lesson number 10, basic HTML. So in this class, we'll discuss about using list and creating tables. ये lesson बहुत ही important topic है, जहाँ पे हम लोग HTML में कैसे हम लोग list and table को हम लोग create कर सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ सीखेंगे. So ये यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले unordered and ordered list के बारे में, ठीक है, ये भी एक बहुत important है. Then हम लोग सीखेंगे attributes के type के बारे में, और मार्क्यू टैग के बारे में सीखेंगे. देन यहाँ पे कैसे हम लोग टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल, टेबल्स का कौन सा एट्रीब्यूट होता है. देन टीआर, टीडी, ये सब एट्रीब्यूट्स है, टीएच, इसके बारे में सीखेंगे. टेबल को जब हम लोग बनाएंगे तो ये सब एट्रीब्यूट हम लोग यूज करेंगे, रो, कॉलम्स, इसके लिए. उसके बाद कैसे हम लोग वेब पेजेस को लिंक कर सकते हैं इमेज के साथ, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे. ओके, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो सबसे पहले क्या, बुलेट्स. बुलेट्स आर द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन इन ए प्रिसाइज मैनर, ठीक है. बुलेट्स क्या होता है कि एक मतलब एफिशिएंट वे है, जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एक सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन को एक अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, प्रिसाइज मैनर. HTML supports वेरियस एलिमेंट्स टू क्रिएट लिस्ट फॉर डिस्प्लेइंग आइटम्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर. A list is a great way of organizing data on your website. List क्या है? एक great way है. मतलब अगर list बनाएंगे तो क्या होगा? एक अच्छे से एक format में होगा. Yes or no? अगर list नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? कोई भी चीज कहीं भी हो सकता है, ठीक है. तो information को एक organized way में उसको हम लोग को maintain करना, मतलब उसको ही बोलते हैं हम लोग list, ठीक है. It can be defined in a different style. Okay? You can either add numbers. हम लोग उसको number भी use कर सकते हैं. और हम लोग यहाँ पे बुलेट्स भी यूज कर सकते, नंबर, बुलेट्स कोई भी यूज कर सकते हैं बिफोर ईच आइटम, कोई भी आइटम के आगे में, ठीक है. मेक देम लुक मोर ऑर्गेनाइज्ड. ओके, सो इन मोस्ट केसेस वी यूज टू टाइप्स ऑफ लिस्ट इन एचटीएमएल, ठीक है. मोस्ट केसेस जो है एचटीएमएल का दो टाइप होता है. सबसे पहले क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, जहाँ पे कोई ऑर्डर्ड नहीं है, कोई अनऑर्डर्ड मतलब किसी भी ऑर्डर में रहेगा. एंड सेकेंड क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर्ड में रहेगा. सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में. व्हाट इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट, एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इंडेंट्स ईच आइटम इन द लिस्ट एंड एड्स ए बुलेट्स अगेन ईच द आइटम. एन अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, यहाँ पे हर एक आइटम को हम लोग बुलेट्स या तो लिस्ट के हिसाब से कुछ बुलेट्स यहाँ पे हम लोग मतलब ईच आइटम के आगे में हम लोग मतलब कोई आइटम जो भी मतलब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगा उसके आगे हम लोग क्या यूज करेंगे, बुलेट्स को यूज करेंगे, ठीक है. Add bullets again each item. Okay. Next, this list is used when the items are not to be displayed in any particular sequence. ये line important है. This list is used. ये list को use क्यों क्या कब किया जाता है? This list is used when the items are not to be displayed in any particular sequence. मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में उसको डिस्प्ले अगर नहीं करना है तो तभी हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करेंगे. द डिफॉल्ट बुलेट टाइप ऑफ द मोस्ट वेब ब्राउजर इज डिस्क, जो डिफॉल्ट है. अगर तुम यहाँ पे बहुत सारा टाइप भी है, मतलब बहुत सारा तुम यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट का बहुत सारे वेरिएशन है, अगर तुम कोई वेरिएशन को अगर यूज नहीं कर रहे हो तो बुलेट डिफॉल्ट में कौन सा आएगा, डिस्क, ये जो बुलेट्स है ये वाला आएगा, ठीक है. स्मॉल फील्ड ब्लैक सर्कल, एक ब्लैक सर्कल होता है ऐसा स्मॉल, ठीक है. बिफोर द लिस्ट ऑफ आइटम्स द लिस्ट बिगिंस एंड एंड्स विथ यूएल एंड ओपनिंग यूएल अनऑर्डर्ड, यूएल का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड क्लोजिंग यूएल टैग्स रेस्पेक्टिवली. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैसे यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे li बोल के एक एट्रीब्यूट है, उसको हम लोग को यूज करना है. li, li का मतलब क्या होता है, लिस्ट आइटम, ठीक है. तो ये देखो यह ब्रैकेट्स के अंदर में दिया हुआ है li, तो li लिस्ट आइटम. तो li का मीनिंग क्या होता है, इसको क्यों लिखना है ऐसे, वी कैन डिस्प्ले द लिस्टेड आइटम्स इन एन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट बाय यूजिंग द li टैग. वी कैन डिस्प्ले द लिस्टेड आइटम्स, जो भी लिस्ट होगा उसको या तो ऑर्डर्ड या तो अनऑर्डर्ड दोनों में अगर तुमको डिस्प्ले करना है तो ये li को लिखना ही है. समझ में आया? वी कैन डिस्प्ले द लिस्टेड आइटम्स इन एन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट बाय यूजिंग द li टैग.
तुमको या तो ऑर्डर में लिखना है या तो अनऑर्डर में लिखना है, तो तुमको सबसे पहले एलाइड टैग है उसको तुमको यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। द एलाइड टैग इज एन एम्प्टी एलिमेंट दैट डज नॉट रिक्वायर ए क्लोजिंग टैग। एलाइड टैग इज एन एम्प्टी टैग, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। सो कंटेनर टैग ऑलवेज रिक्वायर्स ए क्लोजिंग टैग, ठीक है। ओपनिंग टैग होगा तो डेफिनेटली क्लोजिंग टैग होना चाहिए जो कंटेनर टैग में होता है, लेकिन एलाइड टैग में क्या होता है, यहाँ पे ओपनिंग टैग तो है लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड एम्प्टी टैग। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, टू मेक एन अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप यूएल बिफोर द लिस्ट, ठीक है। अगर कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है, सबसे पहले तुमको यूएल टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद तुमको क्या लिखना पड़ेगा सेकंड में, राइट द एलाइड लिस्ट ऑफ आइटम, मतलब जो भी लिस्ट है, मतलब जो भी आइटम होगा उसके उससे पहले तुमको एलाई लिखने का यहाँ पे जरूरत है। राइट द एलाई लिस्ट आइटम्स टैग बिफोर एवरी इंडिविजुअल आइटम, मतलब कोई भी इंडिविजुअल आइटम से पहले तुमको एलाई को यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द एंटायर लिस्ट टाइप क्लोजिंग यूएल टैग। लास्ट में क्या होगा, जो लिस्ट खत्म होगा उसके बाद तुमको क्लोजिंग यूएल टैग को यूज करना है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिगर भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे HTML को यूज किया, उसके बाद हेड को यूज किया, उसके बाद यहाँ पे टाइटल इंसर्टिंग लिस्ट, ठीक है, ये टाइटल दिया है इंसर्टिंग लिस्ट, उसके बाद हेड को यहाँ पे क्लोज किया, उसके बाद देखो बॉडी बिजी कलर क्या दिया है, ग्रीन, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट मार्जिन कितना दिया, 100, टॉप मार्जिन कितना दिया, 25, मतलब लेफ्ट से यहाँ पे देखो 100, यहाँ पे लेफ्ट से यहाँ पे 100 डिस्टेंस में है, और ऊपर से कितना है 25, टॉप मार्जिन 25, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे बोल्ड टैग को यूज किया, बोल्ड मतलब जो भी टेक्स्ट होगा बोल्ड में आएगा। देन यहाँ पे फॉन्ट साइज को यूज किया 6, ठीक है। देन कलर को यूज किया येलो, ठीक है, जो भी कलर होगा। देन यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट क्या है, ये वाला टेक्स्ट क्या है, 5D4 Success, देखो ये 5D4 Success, ठीक है। फॉन्ट को क्लोज किया, ये वाला टेक्स्ट का जो फॉन्ट होगा वो क्या होगा, जो डिफॉल्ट फॉन्ट है, यहाँ पे फॉन्ट फेस को यूज नहीं किया तो एरियल में आएगा, ठीक है। बट फॉन्ट साइज कितना है, 6, देखो ये थोड़ा मतलब बिगर है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो टैक्स होगा उसका मतलब इसका कलर क्या होगा, येलो होगा, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट को क्लोज किया, उसके बाद बोल्ड को यहाँ पे क्लोज किया, ओके। देन फिर से यहाँ पे फॉन्ट साइज को फिर से यहाँ पे स्टार्ट किया, फॉन्ट साइज फिर से यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फॉन्ट साइज कितना है, 6, कलर क्या है, व्हाइट, कलर क्या है, व्हाइट, ये वाला जो टैक्स होगा इसका कलर क्या होगा, व्हाइट होगा। उसके बाद यूएल, देखो यहाँ पे यूएल को यहाँ पे स्टार्ट किया, क्योंकि अभी हम लोग लिस्ट को लिखेंगे तो इसलिए यहाँ पे यूएल को यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, ठीक है। देन यहाँ पे एलआई लिखा, तो एलआई डेफिनेटली हम लोग को आइटम्स, जो भी आइटम्स होगा उससे पहले एलआई को लिखना पड़ेगा, मतलब ये हम लोग का डेडिकेशन जो है, मतलब 5D4 Success, सक्सेस का जो 5D है, जो पहला जो आइटम है दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन, ओके। तो ये पहला पॉइंट में आएगा। देन एलआई डिवोशन, ये सेकंड में होगा। देन क्या होगा, एलाई डिसिप्लिन, ये थर्ड में होगा। देन एलाई डिस्क्रिमिनेशन, ये फोर्थ में होगा। देन फिफ्थ में क्या होगा, एलाई डिटर्मिनेशन। लास्ट में यूएल को यहाँ पे क्लोज करना है। देन फॉन्ट को हम लोगों को क्लोज करना है, क्योंकि फॉन्ट को हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया था, ये वाला फॉन्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्लोज करना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला क्लोज किया था हम लोग ने यहाँ पे इसके लिए। तो लास्ट में बॉडी को क्लोज किया, देन लास्ट में HTML को क्लोज किया, ओके। तो ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे कलर को उतना अच्छे से नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिख के रख दिया है, तो यहाँ पे हम लोग अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये वाला मेरा कोड है, मैंने ऑलरेडी लिख के रख दिया है, ठीक है। सेम टू सेम मैंने जैसे बुक में लिखा हुआ है, मैंने ऐसे सेम टू सेम यहाँ पे लिखा। तो अभी इसको मैंने सेव किया है, तो मैंने कहाँ पे सेव किया, मैंने ऑलरेडी सेव करके रख दिया है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव कर मैंने एक फोल्डर बनाया था, वहाँ पे फिगर 11.1 ऐसे मैंने चेक मतलब सेव करके रख दिया है, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली फोल्डर में जाएंगे, ये मेरा फोल्डर था, मैंने सेव किया था, अभी इसको मैं ओपन करूंगा। तो मैंने डबल क्लिक किया तो ये ओपन होने जा रहा है अभी। तो देखो ये ओपन हो गया है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे एकदम A to Z जैसे बुक में बोला गया था ऐसे ही आया। तो ये 5D4 Success, ठीक है। यहाँ पे देखो लेफ्ट मार्जिन कितना है, 100, टॉप मार्जिन कितना है, 25, उसके बाद ये जो था उसको बोल्ड में लिखा गया है, इसका जो टेक्स्ट का जो कलर है वो येलो है, ठीक है। और इसका कोई फॉन्ट फेस नहीं है तो ये डिफॉल्ट में है, ठीक है। कोई फॉन्ट फेस या फिर कोई फॉन्ट स्टाइल को यूज नहीं किया, फॉन्ट मतलब फेस स्टाइल।
उसके बाद यहाँ पे देखो ये आइटम जो है, ये आइटम्स के आगे में क्या है, डिफॉल्ट आया, ठीक है। ये डिक सर्कल मतलब एक सर्कल आया। ये व्हाइट में क्यों आया? बेसिकली क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे कलर कौन सा यूज किया, व्हाइट यूज किया, तो डेफिनेटली यहाँ पे व्हाइट में आएगा, ठीक है। तो हम लोग ने व्हाइट कलर को यूज किया। तो अगर कोई कलर को यूज नहीं करोगे, ठीक है, सपोज मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा अभी। देखो अभी मैं इसको सेव करूंगा, अभी देखना उसका चेंजेस, देखना ये ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है, देखना। हाँ, क्योंकि डिफॉल्ट में क्या होगा, ब्लैक होगा, ठीक है। और डिफॉल्ट में जो सर्कल होगा, डिक्स का सर्कल, वो ऐसा होगा। समझ में आया? समझ में आया? तो डिफॉल्ट होगा वो ऐसा आएगा, ठीक है। ओके चलो, तो ये था हम लोग का जो पहला टॉपिक था, कैसे हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, कौन सा एट्रीब्यूट हो सकता है। तो ऑलरेडी मैंने ये सर्कल वाला जो डिक्स था, ये जो डिक्स था, ये मैंने ऑलरेडी बोला ये डिफॉल्ट है। टाइप मतलब यहाँ पे टाइप किसको हम लोग बोलेंगे, मतलब यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्शन आया, ये देखो ये वाला पोर्शन आया, ये वाला नहीं, मतलब ये यहाँ पे जो ये स्टाइल आया, ठीक है, ये टाइप को हम लोग, मतलब ये इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप भी है, ठीक है। तुम लोग ने मतलब ऑलरेडी शायद तुम लोग ने मतलब पहले कभी देखा होगा इसका, मतलब स्क्वायर स्क्वायर में भी आ सकता है ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा मतलब और थोड़ा मतलब ऐसा मतलब राउंड शेप का कुछ अलग से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा टाइप का है। सबसे पहले, द टाइप इज एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ द बुलेट दैट कैन बी यूज विथ यूएल एलिमेंट। तो ये जो बुलेट्स, सॉरी मैंने नाम भूल गया था, ये बुलेट्स है, ठीक है। तो ये जो बुलेट्स था उसका जो टाइप है उसको कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं यूएल एलिमेंट में। देयर आर टोटल थ्री वैल्यूज दैट कैन बी डिफाइंड विथ यूएल टैग। टैग आर डिक्स, कौन सा डिक्स, स्क्वायर एंड सर्कल। सबसे पहले डिक्स है, उसके बाद सर्कल है, उसके बाद स्क्वायर है, ठीक है। द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर यूएल टैग इज ए डिक्स, ये याद रखना। जो डिफॉल्ट है वो क्या है, डिस्क है, ठीक है। ये वाला डिस्क ये डिफॉल्ट है, अगर कुछ नहीं भी लिखोगे तो वो डिस्क में आएगा। तो यहाँ पे देखो डिस्क का मतलब स्पेसिफाइड ए फिल सर्कल, मतलब ये फिल सर्कल जो है ये डिस्क में है, ठीक है। उसके बाद सर्कल कौन सा है, ऐसा बीच में कोई स्पेसिफाइड है, नॉन फिल सर्कल, मतलब बीच में कोई फिल नहीं होगा। ये मेरा जो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये मेरा जो माउस देख रहे हो ना, वो भी एक नॉन फिल सर्कल ही है, ठीक है। और स्क्वायर में होगा तो ये डेफिनेटली स्पेसिफाइड ए फिल स्क्वायर बुलेट, मतलब ब्लैक कलर का ऐसा स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बेसिक बेसिक मतलब जो स्टाइल है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स का, मतलब बुलेट्स का। तो ये एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल को करूंगा नहीं, ये तुम लोग का असाइनमेंट है। तुम लोग मुझे ये एग्जाम्पल करके मुझे गूगल क्लासरूम में या तो मेरा व्हाट्सएप में सेंड करो, ठीक है। सबके लिए ये असाइनमेंट होगा, ये क्लास का पहला असाइनमेंट, मतलब ये चैप्टर का पहला असाइनमेंट होगा कि तुम लोग को इसको करना है, करके मुझे उसको सेंड करना है, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके अपना लैपटॉप में या तो अपना डेस्कटॉप में कहीं भी करो, एज इट इज ऐसा आना चाहिए और मुझे सेंड करना चाहिए। मैं सब मतलब सबका ओपन करके देखूंगा, अगर जिसका सही होगा तो उसको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ओके चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।